फारूक अब्दुल्ला को हमने देखा भारत माता की जय का नारा लगाते हुए और कश्मीर में धक्के और जूता खाते हुए भी, लेकिन कभी यह कहते हुए नहीं देखा कि चलो आतंकियों के साथ बातचीत करते हैं, इनको वार्ता की टेबल पे ले आते हैं। यह भले ही कहा कि अपने वतन की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि इनके साथ भी शांति वार्ता कर लो, समझौता कर लो। आखिर यह स्थिति क्या है? आतंकवादियों में वोट बैंक ढूंढा जा रहा है या क्या? देखिए रोहित जी, आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, आपके जो बयान आते हैं, आपकी जो आपने जो बोला ये अभी कि डॉक्टर साहब को जूते पड़े, मतलब ये ऐसी लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक सिविल डिबेट, अगर हम सिविल डिबेट कर रहे हैं तो एक वीडियोस में ये बातें हैं, नारे लगा रहे हैं लोग वहां पर और फारूक साहब नाराज हो रहे हैं। आप सुन लीजिए, यहां से होके वो गए। चलिए, आपको लगता है ये शब्द नहीं कहना चाहिए था, मैं वापस ले लेता हूं। मैं ये कहता हूं उनके साथ, और आपको लगता है उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया वहां पर, ठीक रहता है कि आप ऐसी ऐसी जबान इस्तेमाल कर देते हैं? सीनियर पॉलिटिशियन के लिए जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, चेंज कर देता हूं सर, कि उनके साथ वहां दुर्व्यवहार हुआ इस बात के बाद। आप जैसे जो है जर्नलिस्ट, अब आप मुद्दे पे आ जाएं, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। हमको पूरा पता है कि हिंदुस्तान में आज ऐसे लोग जो हैं, जो 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 डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आज तक के एंकर भी ऐसे डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। मेरे कहने से वो घटना बदल तो नहीं जाएगी, पर फिर भी मैंने शब्द बदल दिया, मैंने कहा दुर्व्यवहार हुआ उनके साथ, मगर फिर भी आप उसी में अटके हुए हैं, क्योंकि आपको ज्यादा मजा उसमें आ रहा। मैंने कहीं नहीं आ रहे किसी के खिलाफ, कोई गंदी जबान का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने ये गलत बयान सर, मैंने आपके कहते ही सेंटेंस पूरा होने के पहले शब्द बदल दिया, लेकिन आप पिछले 2.5 मिनट से लगातार उस पे अटके हुए हैं। मुझे लगता है आपको ज्यादा मजा उसमें आ रहा। मैं आता हूँ आप पे, आप मुद्दे पे आ जाना सर, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का असर हो गया है, मुझे लगता है बहुत लोगों पे, और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जर्नलिस्ट भी इस जुमरे में आ रहे हैं। लेकिन मेहरबानी करके इस डिबेट को सिविल ही रखें। और आप, आपके सवाल पे आता हूं, क्योंकि बात उठी 1987 रिगिंग इलेक्शंस की, बात बार बार की जा रही है, ये नजमुल साकिब साहब ने भी बोला, सुशील पंडित ने भी बोला 1987 की रिगिंग हुई। अरे आपके पास प्रूफ है क्या? अगर रिगिंग हुई थी तब तो कहीं कोई केस दर्ज हुआ, कहीं कोई कोर्ट में गया, कोई हेयरिंग हुई उस पे? अगर उस टाइम के जितने भी कंटेस्टेंट थे जिनको लगा रिगिंग हुई, जहां पे 5 असेंबली हलकों में से ये आवाज उठी कि रिगिंग हुई, आपने उसी का ही जो है एक, उसमें ना कहीं कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, ना कोई कोर्ट्स है। अगर हम मानते हैं कि कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो आप जुडिशरी, उस टाइम के लोग जिनको लगा कि रिगिंग हुई, वो जुडिशरी में क्यों नहीं गए? ये सब चीजें प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, ये आज भी 1987 को लेकर प्रोपेगेंडा में लाया जा रहा है, वही आरएसएस के लोग कर रहे हैं, वही पीडीपी के लोग कर रहे हैं। अब आई बात आज के हालात की, 2 दिन में 24 घंटे में 2 ग्रेनेड अटैक हुए राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी। एक आपके, मुझे लगता है जो आपका ऑफिस है 100 मीटर के दूर एक ग्रेनेड फटा, कल आज लाल चौक में ग्रेनेड फटा, शुपियन में ग्रेनेड फटा। ये आज की बात नहीं है, ये जब से पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने जेएनके के सिचुएशन जो एक हालात, जब उमर साहब की सरकार थी तब बंकर्स गिर रहे थे, आज आप देखिए जब से पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई है तब से नए नए बंकर्स बन रहे हैं। तो इन्होंने तो जेएनके स्टेट का बेड़ा गर्क कर लिया। आज महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है मिलिट्री फैमिलीज के घर जाती हैं, कल तक तो वो टॉफी और मिल्क का जो है बयान देती रहती थी। सो ये हिपोक्रेसी, हिपोक्रेटिकल बयाना जो है लोगों को समझ आ गया है। बीजेपी के यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, हमने 3 साल उनकी भी बातें सुनी कि हालात ठीक होंगे। अरे कब होंगे हालात ठीक? हमको बस आपने सिर्फ जुमले ही सुनाए इतने 4 सालों में, सिर्फ जुमले ही जुमले। आपने कौन से इनिशिएटिव्स लिए? आपने यहाँ पे दिनेश्वर शर्मा को, क्या कर रहा है दिनेश्वर शर्मा? वो सिर्फ दिनेश्वर शर्मा साहब सिर्फ एक्सचेकर, हमारे एक्सचेकर के पैसों से ये यहाँ पे जो है वो तफरी करने आते हैं। आप मुझे बताइए कौन सा रिजल्ट निकला जो बीजेपी की कोई पॉलिसी जो है कश्मीर के तहत, पूरी जितनी भी पॉलिसी 4.5 साल बता दीजिए, जीरो रिजल्ट है इस टाइम पे। आज की बात उम्मीद है पूरी हो गई होगी। आपको केवल एक चीज दुरुस्त कर देता हूँ, आज तक पर बैठकर, आज मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ कि फारूक अब्दुल्ला पे जूते फेंके गए। जिस दिन फेंके गए थे, वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिएगा, इंडिया टुडे की वेबसाइट पे आज भी वो खबर उपलब्ध है। आपका सम्मान रखते हुए और फारूक अब्दुल्ला का सम्मान रखते हुए मैंने शब्द वापस ले लिया था,
क्यों लेकिन वो घटना वहीं की वहीं है और वैसे की वैसी रहेगी। आपके बोल देने भर से वो जूते वापस नहीं चले जाएंगे जो लड़कों ने फेंके थे। अब आप उसके बाद बुरा मानिए कि भला मानिए, मैंने केवल आपका सम्मान रखते हुए उस शब्द को वापस लिया था कि आपने दिल पे ले लिया, लेकिन जूते पड़े हुई। अब आप उसको कुछ भी कहिए। इंसिडेंट की बात कर रहे हैं वो हजरत बल दरगाह, हजरत बल वहां कोई चप्पल लेके अंदर नहीं आता है। शायद आपको ये बात समझ पता नहीं है, मस्जिदों में चप्पल लेके कोई नहीं आता है। सर प्लीज इमरान साहब, आप अपनी बात वापस लीजिए और बाकी जो है बाकी पहले से भी है ये जो है फजूल बातें करना आप बंद कर लीजिए। अगर हम डिबेट कर रहे हैं सिविल डिबेट करिए इमरान साहब, नहीं तो आप हमको आपने मुझे यहां पे बड़े प्यार से सम्मान से साफ साफ करके बात कर रहा हूं, तो मैं कोई मजबूर नहीं। लाइन पूरी होने से पहले शब्द वापस ले लिया था, लेकिन क्योंकि आपने उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की इसलिए आपको आपके तरीके से जवाब दिया जाना जरूरी था। अब बस, अब सुशील पंडित को सुन लीजिए, राजीव त्यागी को उसके बाद सुनिएगा। बोले सुशील पंडित, इमरान नबी डार कह रहे हैं कि इनके टाइम बंकर हट रहे थे और बम नहीं फूट रहे थे। बंकर हटाए गए, जनरल हुडा को उसका जवाब देना पड़ेगा क्यों हंदवाड़ा में 3 बंकर हटाए गए, लेकिन जब वहां बम फूटते थे तो आप ही के डॉक्टर मुस्तफा कमाल जानते हैं क्या कहते थे कि ये आर्मी हमारी बम फोड़ रही है, ये मुफ्ती कपड़ों में बैठ गए, ये सादे कपड़ों में आकर के बम फेंक रही है, ये आपके मुस्तफा कमाल का जवाब है। आप जानते हैं को रिप्रेजेंट करते हो, आज कहां छुपा के रखा है उनको, आप किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसे ऐसे बयानवीर बैठे करते हो कि आप देश की ही आर्मी के ऊपर ये बात रोहित जी से भी एक गुजारिश करता हूं, अगर आपको कश्मीरी पंडित वॉइस चाहिए तो आप जगदी कैंप से लाइए ना, आप ऐसे और लोगों इस तरह लाइए मत, दिल्ली के ऐसी दिल्ली में ऐसी रूम्स में बैठ के सियासत करते हैं। अभी आप मुझे सिविल डिबेट का पाठ पढ़ा रहे थे, अब सुशील पंडित पहला आप उनका पंडित होने का सर्टिफिकेट कैंसिल कर देते हैं। भाई अभी तक तो आप आतंकवादियों को आतंकवादी और नॉन आतंकवादी में कैटेगराइज करते थे, अब पंडितों को भी पंडित और नॉन पंडित में कैटेगराइज करने की ठेकेदारी आपने ले ली बैठ के इमरान नबी डार। दूसरा, दूसरों को आप सिविल डिबेट का पाठ पढ़ाते हैं और खुद नारा लगाने लगते हैं बीच में जैसे कोई आदमी बोलता है। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज, इसी तरह की ऑटोनॉमी चाहिए इनको कश्मीर में। सर एक सेकंड, राजीव त्यागी के पास ये तय करेंगे सिटीजन कौन है। सर बहुत देर से कह रहा हूं, राजीव त्यागी से सवाल लेना ले नहीं पाया हूं अभी तक। हम यहां पे किसी का लेक्चर सुनने नहीं आए हैं। अच्छा हो गया ना, ठीक है, हम भी यहां आपका लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। सब लोग, 6 लोग बैठे हैं, सब बोलेंगे अपनी बात, अकेले आपका लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, उनको भी सुनिए। और अगर नहीं सुन सकते, हिम्मत नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, बोलिए हमारे बस का नहीं, हम डिबेट नहीं कर सकते, हम भाषण देने आते हैं, हमें रैली में जाने चाहिए बस। पंडितों की रिप्रेजेंटेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पंडित की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे, आप हर कश्मीरी के ठेकेदार हैं क्या फिर, अगर ये पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आपने सारे कश्मीर का ठेका लिया है जी। आप हर कश्मीर की आवाज है, कश्मीर का आप और कश्मीर की आवाज है, कश्मीर का क्या आप डिसाइड कर, मैं हजारों कश्मीरियों को जानता हूं जो आपकी जैसी जुबान नहीं बोलते, ले रखा है क्या आपको, नफरत है आपसे लोगों से, हजारों ऐसे कश्मीरियों को जानता हूं, कौन फिर कौन एंटी नेशनल है ये आपने डिसाइड कर रखा है क्या, आपकी बातें खुद बता देती है, सर्टिफिकेट मुझे डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता खुद डिसाइड करती है। जैसे ही आप लोग मुंह खोलते हैं जनाब, आप सियासत में ना घुसिए, मेरी गुजारिश है आपसे, नेशनल आप एंकरिंग करिए, इसलिए प्लीज अब वक्त मत सियासत में घुसने की कोई जरूरत, अगर आपको सियासत में आना आइए, मैं आपके साथ पर्सनल बहस करने के लिए नहीं बैठा हूं, यहां बड़े विषय पर बहस हो रही है, आप यहां पर बैठ के सर्टिफिकेट इशू करना और खारिज करना बंद कीजिए। मैं रहिए ना, आप किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं, पक्ष लूंगा अपने देश का, पक्ष लूंगा, आप इस देश को अपना देश नहीं मानते होंगे, मैं मानता हूं, मैं अपने देश का पक्ष लूंगा,